अस्सलाम वालेकुम। दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम को कंप्लीट इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि एग्ज़ाम को जो है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम कि इंस्टॉलेशन के बाद जो होने वाले प्रोसीजर हैं, लोकल होस्ट है और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपको करना सिखाएंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। एग्ज़ाम बेसिकली एक लोकल होस्ट सर्वर है जो आपको मल्टीपल टास्किंग यानी कि वेब के रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप बगैर किसी डोमेन डोमेन और होस्टिंग के इजीली कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम इंस्टॉल हो गया है और अभी हम एग्ज़ाम को जो है वो रन करेंगे। ये देखें, इसमें हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया था। मैं आता हूँ वर्डप्रेस में। यह है वर्ड प्रेस। इस वर्ड प्रेस को मैं करूंगा कॉपी और अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर दूंगा। एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा, अलाउ एक्सेस कर दूंगा माई एसक्यूएल के लिए। एचटी डॉग पे क्लिक करूंगा। यह देखें, ये सिंपल है हमारे पास। इधर कंट्रोल वी कर दूंगा, कंट्रोल वी करूंगा तो ये इसमें कॉपी होके आ जाएगा। तो मैं इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करता हूँ इसके लिए। आप मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एनी अदर कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, इंटर कर दूंगा। इंटर करते साथ ही मेरे पास ये विंडो, ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पे माई पी एच पी माई एडमिन पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस ओपन हो गया। तो जिस नाम से ये फोल्डर है उसी नाम से हम करेंगे न्यू न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा वर्ड PREESS वर्ड प्रेस WORDPREESS। इसको कॉपी कर लूंगा, क्रिएट कर दूंगा, प्लस करूंगा। इधर लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस, इंटर कर दूंगा। ये देखें, इसके अंदर वर्ड प्रेस कॉपी होके आ गया है हमारे पास। इस फोल्डर से आपने कोई भी चीज डिलीट नहीं करनी कि ये एचटी डॉग का फोल्डर है। इसमें आपने कोई भी चीज नहीं डिलीट करनी। आपने जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना है वो जस्ट कॉपी करना है आपने, इसके उसमें पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, सॉरी। तो जैसे ही कॉपी होगा हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया वर्डप्रेस का। ये देखें, ये वर्डप्रेस हमारे पास आ गया इंस्टॉल होने के लिए। कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो करेंगे। डेटाबेस नेम वर्डप्रेस, यूजर नेम भी आ जाएगा, लोकल होस्ट आ जाएगा। यूजर नेम में मैं लिखूंगा ROT रूट और पासवर्ड में कुछ भी नहीं लिखूंगा, सबमिट कर दूंगा।
रन इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये हमारे पास वर्डप्रेस आ गया है। तो इधर साइड नेम दे देंगे हम टेक्निकल आकिप, यूजर नेम में दे दूंगा ये, पासवर्ड में हाइड कर दूंगा और पासवर्ड में चेंज कर दूंगा। आप कोई भी पासवर्ड इसमें दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपने वो वाला देना है जो जीमेल या डिफरेंट का हो। सर्च इंजन विजिबिलिटी पे आप क्लिक करें तो बेहतर होता है। तो मैं लोकली चलाऊंगा तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जो पहले हमने प्रोसीजर किया है वो हमने डेटाबेस के साथ वर्डप्रेस को अटैच किया है, और इस प्रोसीजर में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यानी कि जो ये आपका फोल्डर है, इस फोल्डर को इस डेटाबेस के लिए जो हमने कनेक्ट किया है वो पहला प्रोसीजर था, और जो दूसरा प्रोसीजर वो ये किया है हमने कि इस डेटाबेस इस फोल्डर को हमने इस पे इंस्टॉल किया है। यानी कि दो काम हमने किए हैं। तो इस पे लॉगिन में करूंगा, तो ये वर्डप्रेस हमारे पास लॉगिन होके आ जाएगा और हम इसमें डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, ये वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल होके आ गया है। तो इसमें हम डिफरेंट चीजें यानी कि प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का ओल्ड वर्जन है, आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। इस पे अगर कोई आप प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, जैसे एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमेंटर प्रो को हम फ्री में इंस्टॉल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।